हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड। अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर यहाँ पर हम चल जाते हैं नीचे, तो जेटीई केटी से आज के दिन इसके रिजल्ट आए और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए। इसी के स्पेस में, इसी के सेक्टर में एक और शेयर है जो इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉमिसिंग है। ओके, अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दिए। 35% के रिटर्न हमें आज के डेट में मिल चुके हैं। बट स्टिल मैं अगर बताना चाहूँ, उसमें और भी ज़्यादा अपसाइड्स नज़र आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट किया है और वहाँ पर एंट्री करी है। और इसी तरीके का चार्ट पैटर्न उसमें ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल नॉलेजेबल वीडियो है। मैंने यहाँ पर बाइंग किया है, बट यहाँ पर मैं आपको बाइंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो आप अपनी स्टडी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस तरीके की वीडियो के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करिए, ताकि नॉलेज बांटने से और बढ़ती है। और प्लेलिस्ट में आपके लिए एक वीडियो, एक लिस्ट बना दी है, उस वीडियो को जाके देखिए। उस लिस्ट में आपको अच्छे खासे यहाँ पर शेयर नजर आएंगे। एज वेल एज अगर बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन फ्री में करा सकते हैं, और भी लिंक्स है वीडियोज़ के, तो उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें जिस शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उससे आने से पहले जेटीई केटी की बात करें तो अच्छा शेयर है। ओके, लगभग हमने 90 के आसपास पकड़ा था, आज के डेट में अच्छा खासा यहाँ पर गेन दिया है हमें। 3-4 दिन के अंदर अंदर अच्छे खासे रिटर्न मिल गए, जो कि एफडी में करते बैंक में तो 5 साल में मिलते हैं, वो जो हमें 3 दिन में मिल गए। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, एक बार देख लेते हैं। इसके टोटल इनकम देखें तो 47,770 करोड़ के आसपास है, 44,000 के आसपास यहाँ पर पहले थी, 37,000 इससे पहले थी। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जंप है टोटल इनकम में। एक्सपेंस की बात करें, यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट 2383 लाख रुपीज का, इससे पहले 1714, इससे पहले 695 लाख रुपीज था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहां पर नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है, जो कि ईपीएस बता रहा है। 98 पैसे का ईपीएस इस बार है, 70 पैसे का लास्ट टाइम था, 28 पैसे का यहां पर इससे पहले ईपीएस नजर आता था। अब बात कर लेते हैं यहां पर जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, वो भी इसी सेक्टर की कंपनी है, बट बहुत बड़ी कंपनी है। अगर बात करें, एक बार राइट इशू लाया है, दो बार यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है, 2002-2004 में ये शेयर। और बोनस की बात करें तो 9 टाइम्स, ओके, 9 टाइम्स मल्टी बैगर बोनस दिए है, 97, 2000, 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018। तो मतलब 9 टाइम्स यहाँ पर बोनस दिया है, 1:2 का ही बोनस हर बार दिया है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और ऐसी कंपनी जो आपको बोनस देती हुई नज़र आती है। ओके, और ईवी की बात करें, ईवी में जब ईवी जितनी भी कंपनीज ईवी से रिलेटेड काम कर रही है, सार मोस्टली प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात करते हैं जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड की, वन डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है आई थिंक। ओके, वन डे का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट होती हुई नजर आई है यहाँ पर, देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हुई है 2% के आसपास, कोई इशू नहीं है। 5 डेज का देखें तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। 1 मंथ का देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर 8-9% के गेन दिए। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें भागा है, बट यहाँ पर बात करें 17th of Feb से बात करें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज पे यहाँ पर यह शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, काफ़ी बेहतरीन है, बट यहाँ पर अपसाइड डाउन यहाँ पर दिखाई देते हैं। बट कंपनी बड़ी कंपनी है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। जो कि अगर बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो इवेंट खड़ा है सबसे बड़ा यहाँ पर, 2 जून को इसके रिजल्ट है और डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करने वाला है। ओके, तो एक तो इवेंट खड़ा है, और ऊपर से इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। मदरसन सोमी करती क्या है आपको पता ही है, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है ये। अगर हम इसके यहाँ पर जाएंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस डिवीज़न यहाँ पर, पार्टनरशिप हिस्ट्री, ग्लोबल प्रेजेंस यहाँ पर सब चीज़ दिखाई देगी। और यूरोप वगैरह में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए ये अमेरिका, साउथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर सारी जगह पर यहाँ पर कंपनी नज़र आती है, ग्लोबली प्रेजेंट है। तो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ देखिए सेल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ 2 ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर देख लीजिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर
लार्ज कैप कंपनी है, 75,948 करोड़ की मार्केट कैप है, ROCE 15%। डेट की बात करें, डेट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, 76%, बट कोई इशू नहीं है, इनके रिजर्व्स अच्छे खासे है। प्लेजिंग की बात करें, थोड़ा बहुत यहाँ पर 4% की यहाँ पर लगभग प्लेजिंग भी कर रखी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है बट हर चीज़ नेगेटिव नहीं, कंपनी में प्रॉमिसिंग हो। सेल्स यहाँ पर देखिए अच्छी खासी सेल्स है, यहाँ पर अगर बात करें जब से 2018 से यहाँ पर देखिए सभी शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, बट अगर बात करें कंपनी ने दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दिया और 2019 से लेकर अभी तक सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिवेन्यू होते हुए दिखाई दिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिसका इंपैक्ट इसके यहाँ पर ईयरली सेल्स पर नजर आ रहा है। बट अगर बात करें ईयरली सेल्स कंटिन्यूसली पिछले 10-11 साल से बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है ज़्यादा, जो कि इसकी बोरिंग की वजह से, यहाँ पर बोरिंग देखें तो बोरिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है 4,743, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना जानती है। रिजर्व्स की बात करें यहाँ पर 6,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है, फिक्स एसेट की बात करें 1,700 करोड़ के आसपास यहाँ पर फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट देखिए 4,740 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 1,237 से 1,000 करोड़ के सीधे यहाँ पर कैश यहाँ पर बढ़ गया है इनके पास, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, जो भी पैसे कमाते हैं सीधे बुक में आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर ROCE पे अब दोबारा 2018 से देखिए ऑटो में एक अच्छी खासी बढ़त हो रही है, दोबारा इस लेवल की ROCE आपको फ्यूचर में दिखाता हुआ दिख नजर आएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% है, FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, DIIs की बात करें 13% की होल्डिंग है, पब्लिक की बात करें 8% की ही होल्डिंग है, मतलब सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर सबसे बेहतरीन है और सारे अच्छे शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स FIIs और DIIs ने यहाँ पर ले रखे। DIIs भी देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े नाम SBI, एक्सिस, ICICI यहाँ पर बड़े बड़े नाम है, एज वेल एज यहाँ पर देखें हर्ब्स, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड्स, इन्होंने यहाँ पर शेयर खरीद रखे हैं, इन्होंने ले रखे शायद और किसी ने इन्होंने बेच दिए, बट कोई इशू नहीं है। अब बात कर ले सीए चार्ट पैटर्न की, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न नज़र, देखिए यहाँ पर हमने ब्रेकआउट पकड़ा था और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर JTE KT की बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं बात कर रहा, तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिलता हुआ दिखाई दिया, इसके प्रीवियस हाई को टच किया और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, बट मैंने बेच दिया है, इसका मतलब आप बेच दो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो टारगेट नज़र आ रहा है थोड़ा टाइम और रुक जाएंगे, तो 145 रुपीज़ तक ये जाता हुआ और 150 के आसपास जाता हुआ साफ नज़र आता है, तो इस चीज़ का टारगेट ऑलरेडी जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कोई इशू नहीं है। अगर बात करते हैं किस चार्ट पैटर्न की बिहाफ पे हम मैं बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था, गिरावट हुई फिर उसके बाद यहाँ पर जंप आ गई, इवेंट था इस वजह से और अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश कर दिया है, तो जब ये रिजल्ट इस तरीके से पेश कर रहे हैं तो मदर्स एंड सोमी किस तरीके के रिजल्ट पेश करेगी वो आप खुद सोच सकते हैं। बाकी इस तरीके का ही चार्ट पैटर्न देखिए, एक कंसोलिडेशन फेज और यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पर, और जब एक बार बार एक ही जगह पर यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ शेयर नजर आता है ना, तो ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। JTE KT में भी इसी तरीके से हुआ था और JTE KT ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा दिया, जितने भी 5-6 महीने का कंसोलिडेशन था, ओके 4-5 महीने का सीधा एक ही बारी में क्लियर करके दिखा दिया सॉरी और अगर बात करते हैं मदर्स एंड सोमी की, तो मदर्स एंड सोमी में काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर से मैं सारी ड्राइंग यहाँ पर एक बार कैंसिल कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मदर्स एंड सोमी की, यहाँ पर आपके पास चार्ट है पूरा का पूरा, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक लेवल है ना, इस लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है, देखिए एक बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, ओके कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद गिरावट हुई, ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई दिया और फिर एक बार फिर दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अगर हम बात करते हैं इस शेयर की, तो यहाँ पर देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हमने पकड़ा, ओके, और यहाँ पर से अगर हम लेके जाते हैं तो ये शेयर देखिए यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर, और यहाँ से ये भागता हुआ कभी भी नज़र आ सकता है और रिजल्ट आप जब सामने हो तो ऑब्वियसली बात है शेयर फिर और ज़्यादा भागने के चांसेस रहते हैं इसके। अगर बॉटम से हम यहाँ पर से उठा लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं,
तो यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ तक तो शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, जितना ये नीचे से जाता है उतना ही यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 75% के गेन, ओके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 75% के गेन एक साल में, 430 रुपये के आसपास ये शेयर आ जाता है। तो एक साल में रिटर्न्स आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं, और आप 20% ढूंढते हैं मार्केट में, यहाँ पर आपको 76% के रिटर्न मिल रहे हैं। और यहाँ पर इवेंट खड़ा है, तो मुझे लगता है जैसे कि यहाँ पर 35% के JTEKT में यहाँ पर 35% के रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए थे, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है देखिए शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम, ओके। और अगर यहाँ पर से शेयर 35% के गेन दे देता है ओके, तो लगभग 315 रुपये तक यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर जा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखें, एक मिनट दीजिए, तो अभी यहाँ पर छोटा तो कोई नहीं, बट अगर बात करें यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। और मेरी बाइंग को सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने यहाँ पर एंट्री लिया और JTEKT में यहाँ पर एग्जिट किया है, क्योंकि JTEKT ऑलवेज यहाँ पर आ चुका है, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहाँ पर ऊपर तक जाएगा। बट यहाँ पर अगर बात करूँ इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि अभी इवेंट खटा हुआ है, 2 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट है, तो थोड़ा सा और शायद कंसोलिडेट करके यहाँ पर ये शेयर ऊपर भागता वो दिखाई दे, और 30-40% के रिटर्न जो यहाँ पर इतने टाइम से यहाँ का कंसोलिडेट कर रहा है, अगर बात करें मार्च से लेके अभी तक, तो कंसोलिडेशन पीरियड 5 महीने का पूरा निकाल दे, और अच्छा खासा ये यहाँ पर, और जब यहाँ पर से क्रॉस करता है ना, तो ब्रेकआउट देता ही है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे एक साथ दे देगा, थोड़ा सा यहाँ पर अपसेन यहाँ पर ऊपर नीचे वॉलेटाइल होते हुए दिखाई देगा, और बट यहाँ पर अगर बात करें एक साथ ही यहाँ पर इसने दिया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रेकआउट मुझे नज़र आता है पर्सनली। बाकी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। 2 तारीख को इसके रिजल्ट है, मदरसन सोमी इस शेयर का नाम है, और हमारी दूसरी वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के डेट में अच्छी अच्छी ब्रेकआउट से रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।